الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سورة النحل کی تقريبا 33 آيات کی تفسير پشلے میں مكمل ہوئی مكمل هويتي اللہ فرماية فأصابهم سيئات ما عملوا कुफ़ार का तस्करा है और अल्लाह ताला ने पिछली आयत में बैंतीसवीं आयत में इशात फरमाया था कि जो कुफ़ार के आबाव व अजदाद जिन पर अल्लाह की तरफ़ से अजाब नाजिल हुआ वो आबाव आबाजाद अल्लाह की तरफ से मादल्ला किसी जुल्म का शिकार नहीं हुए बल्कि उन्होंने अपनी बदआमाली के ज़रिए ख़ुद अपनी जानों पर म किया क्योंकि अपनी बदआमालियों के ज़रिए उन्होंने अपने आप को अजाब पर पेश कर दिया और ख़ुद अगर कोई शख्स आग में कूद जाए तो कोई उस पर म करने वाला नहीं वो ख़ुद अपनी जान पर करने वाला है लिहाजा लल्ला लह ने आगे मज़ीद इस बात को बयान फरमाया फ़ासाबहम सै आत मिलू तो उन लोगों तक वो चीज़ पहुँच गई उस चीज़ की बुराई पहुँची जो उन्होंने अमल किए थे यानी जो भी अमाल किए थे उसकी बुराई उन तक पहुँची है उसका बुरा नतीजा उन तक पहुँचा है अल्लाह ने उन पर म नहीं किया तो इससे मालूम हुआ कि बाज़ अव बुरे आमाल का बुरा नतीजा या उसकी सज़ा दुनिया में इंसान को हासिल हो जाती है लेकिन इज्तमाही तौर पर अज़ाब की शक्ल में ये पिछली कौमों के साथ ख़ास था इस उम्मत के अंदर ये नहीं हो सकता और इनफरादी तौर पर कि कुफ़ार पर उनके बुरेमल का नतीजा कोई मुरतब हो जाए या किसी मुसलमान पर मुरतब हो जाए ये मुमकिन है अहदी से भी साबित है और आयात भी इस पर दाल है वह हा कब हिम माका नबिहीस्ता हज ऊन तो और उन्हें उस चीज़ ने घेर लिया जिसके साथ वो मजाक किया करते थे वो क्या था अल्लाह की तरफ से आने वाला अजाब ये अजाब का मजाक उड़ाते थे, थे कि अरे जी कहाँ अजब आएगा क्यों हमें डराते हैं ख़वा म आप अजाब से डराते है, है तो कहाँ ले कर आएं उस अजाब को और हम सब अजाब भुगत लेंगे सब अजाब देख लेंगे और फिर जब अजाब आया तो ये बिल्कुल उसको बर्दाश्त ना कर सके क्योंकि अल्लाह तबारक व ताली का मुकाबला कोई भी नहीं कर सकता अल्लाह ने इंसान से ज़्यादा हज़ार हा ताकतवर मखलूक़ें पैदा की हैं जिनको फ़ेस करना जिनका मुकाबला करना हमारी ताकत बशरी ए, का मतलब कि ताकत बशरी इस बात की मतहमिल नहीं हो सकती है इस बात की काबिलियत और सलाहियत नहीं रख सकती है कि हम उनका मुकाबला कर सकें समुद्री तूफ़ान को देख लें बर्फ़ानी तूफ़ान देख लें हवाएं जब तेज़ चलती हैं आंधिया आंफों देख लें ओले पड़ रहे हों बर्फ़बारी हो जाए इन चीज़ों का इन कसरत से बर्फ़बारी हो जाए तो इन चीज़ों का मुकाबला हम नहीं कर सकते हैं तो अब वो कुफार बावजूद इतने कमज़ोर होने के और फिर वो अल्लाह ताला के अजाब को चैलेंज देते थे उसका मजाक उड़ाते थे तो ये इस अजाब की बुराई जब उन तक पहुँची यानी बुरे अमाल की बुराई और अजाब की सख्ती उन तक पहुँची तो वह हलाको बर्बाद हो गए इससे ये भी आपको मालूम हुआ और याद रखिएगा कि अल्लाह तबारक व ताल के अजब का मजाक उड़ाना ये कुफ़ार की सिफत है इसीलिए बासफ़ ने लिखा कि अल्लाह के अजाब से बेखौफी कुफर है यानी अगर कोई शख्स सराहतन ये कहे कि मैं अल्लाह के अजब से बिल्कुल नहीं डरता हूँ मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है मादल्ला तो इसको कलीमय कुफुर लिखा है क्योंकि ये कुफ़ार का तरीका था और इनके इस तरह इस्तेहजा करने पर मजाक उड़ाने पर अल्लाह तफ़ुर का हुक्म लगाया और इन पर बाकायदा अजब मुरतब हुआ इन पर अजाब नाजिल हुआ इस अजब का मजाक उड़ाने की बिना पर इससे मालूम हुआ कि अल्लाह ताला के अजब का मजाक उड़ाना शरण जायज़ नहीं है इसलिए जो जोक्स वगैरह सुनाते हैं या मतलब जैसे ये इस्टेज प्रोग्राम्स होते हैं और इसमें मजाक में लतीफ़े लतीफ़े सुनाए जाते हैं और उसमें फिर अल्लाह के अजाब का अंदाज से मजाक उड़ाया जाता है तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर मजाक कुफ़र होगा क्योंकि नो़ीतें मुख्तलिफ हो सकती हैं लेकिन गुनाह ज़रूर है नाजायज़ ज़रूर है और बाद सूरत में कुफ्र भी हो सकता है इसलिए आवाम को चाहिए कि हुक्म कुफ़ुर तो ना लगाए लेकिन जब इतनी ख़तरनाक सूरत हो सकती है तो ऐसी ची जगह पर जाने से मतलब एहतराज करें बचने की कोशिश करें ताकि ईमान की हिफाजत हो वौौल लीना अशरकू और कहा उन लोगों ने जो मुशरक़ थे या जिन्होंने शिरक किया मसला ये था कि जब आगे मैं मक़ूल को सुनाता हूँ लेकिन इसका पसमंजर थोड़ा सा कर देता हूँ कि जब मुसलमान कुफ़ार को मना करते थे कि भाई ये बुतों की इबादत क्यों करते हो ये तुम्हें नफा नहीं दे सकते कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकते तुम एक रब की इबादत करो तो ये बाजुख़ाती जवाब देते थे कौल लदीन अशरकु कहा उन लोगों ने जिन्होंने शिरक किया लवू शाह अल्लाहू मा अबदना मिन अबदनांदूनी ही मिनशिन नहनु वला अब उन्हना कि अगर अल्लाह तबारक व तआला चाहता तो ना तो हम अल्लाह ताला के अलावा किसी शय की इबादत करते और ना हमारे आबाजाद वल मिन मंदूनी ही मिनशन और ना हम उससे जुदा होकर अलग हट कर किसी शय को अपने ऊपर हराम करते जैसे कि इन्होंने मतलब बहुत से जानवरों को अपने ऊपर हराम कर लिया था ऊँटों को ऊँटनीों को और उसे बुतों के नाम पर छोड़ देते थे और उन्हें खाते नहीं थे तो ये भी गलत था कि जिसको अल्लाह ने हलाल किया उसको हराम आप क्यों करार देते हैं तो ये जवाब में एक दलील देते थे और इस तरह कह के खामोश करवाने की कोशिश करते थे कि यह बताओ कि अल्लाह तबारा व वाली हमें इस पर रोकने पर कादिर है कि नहीं है सहाबा कहते कादिर है तो कहते हैं कि देखो इसका मतलब ये हुआ कि जब अल्लाह ताला हमारी गिरफ्त नहीं फरमा रहा हमें इससे रोक नहीं रहा तो ये ख़ुद उसकी मर्ज़ी से शामिल है माजल्ला कि वो ये चाहता है उसने गोया कि हमें इजाज़त दे दी एक तरह से कि हम बुतों की इबादत भी करें और जिसको उसने हराम करार दिया उसे चाहे हम हलाल ठहराएँ या जिसको उसने हलाल करार दिया हम उसको हराम ठहरा सकते हैं अगर अल्लाह की मर्ज़ी के ख़िलाफ़ होता तो अल्लाह ताली हमें रोक देता तो गोया कि उन्होंने इस तरह आज़ादाना जुर्म करने और अल्लाह की तरफ से फौरी तौर पर गिरफ्त ना होने को अल्लाह की इजाज़त करार दे दिया कि ये अल्लाह की इजाज़त से हम कर रहे हैं लिहाजा हमारी गिरफ्त ना की जाए जैसे कि आजकल भी बाज बेचारे जिनको इल्म की कमी का मरज होता है वो इसी तरह कह देते हैं कि जब उन्हें किसी बुरी आदत से रोकते हैं तो बोलते बताओ अल्लाह तला मुझे रोकने पे क़ादिर है कि नहीं जी हाँ क़ादिर तो है तो फिर क्यों नहीं रोकता इसका मतलब ये है कि अल्लाह तै मुझसे नाराज़ नहीं है माद अला ये गलत बात होती है लिहाजा अल्लाह तारा ने शायद फरमाया कदाली का फायल लदीन मिन कबल इसी तरह किया था उन लोगों ने जो इनसे पहले थे बड़ी नफीस बात है कि इसी तरह इनसे पहले वाले जो लोग थे उन्होंने भी इसी तरह जुमले कहे थे इसी तरह उन्होंने भी अफ़ाल अमाल किए थे अब उनका अंजाम देख लो अगर ये तुम्हारी बात दुरुस्त है और यही बात तुमसे बड़ों ने भी कही थी तो अगर ये बात दुरुस्त है तो तुम्हारा अंजाम अच्छा होना चाहिए था और उनका अंजाम भी अच्छा होना चाहिए था लेकिन अब उनके अंजाम पर ज़रा निगाह रखो तो पिछली कौमें जितनी भी ऐसी गुजरी जिन्होंने इसी किस्म की बोगस दलील के ज़रिए अपने लिए गलत कामों को जायज़ करार देने की कोशिश की तो वहाँ के आसार वहाँ बस्तियों के जो खंडरात थे वो इस बात को ज़ाहिर कर रहे थे कि उन पर अल्लाह का अज़ब नाजिल हुआ जिससे मालूम हुआ कि उनके इस किस्म के अकवाल जो थे वो काबिल गिरफ्त थे अल्लाह तुन को कोई इजाज़त नहीं दी थी अल्लाह तरफ़ से फ़ौरी तौर पर गिरफ्त का ना होना अल्लाह ताली की तरफ से इजाज़त की दलील नहीं था लिहाजा वो काबिल गरीफ हुए मुजरिम थे इसी तरह तुम भी इससे डरो कि तुम्हारे बड़ों ने इसी कस्म के जुमले कह के अल्लाह के अजाब को दावा दी तो तुम पर भी अजाब नाजिल हो सकता है फिर शाद फरमाया फ़लअर रसुलबलामुबीन रसूलों पर तो फ़कत इतना ही लाजिम है कि वो वाज तौर पर अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचा दें बस ये नबी करीम सल वम को तसली दी गई आपके के कलब मुबारक को ढारस फ़राहम की गई कि नबी करीम जब तबलीग फरमाते थे और कुफ़ार जवाब में आपकी बात को तस्लीम नहीं करते थे तो इतनी हक और नफीस बात और वाज तौर पर हक़ को रद्द कर देने की बिना पर हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कल्ब अनवर रंजीदा हो जाता था तो अल्लाह तबारक व तआला ने फिर आपको तसल्ली इनायत फरमाई और ये आयत बयान फरमाई कि ए रसूल आप बिल्कुल अपना दिल छोटा मत कीजिए आप अपने ऊपर इस रंज और ग़म को तारी ना कीजिए इसकी वजह से आपको तकलीफ़ पहुँचती है क्योंकि आपका काम और दीगर रसूलों का काम फ़कत यह था कि वह पहुँचा देते थे उनका काम है पैगाम पहुँचाना मनवाना आपका काम नहीं है लिहाजा अगर ये नहीं मानते तो आप बिल्कुल रंज ना करें बिल्कुल गम ना करें अब ये अल्लाह ताला के हवाले हैं अल्लाह ताला इनके साथ फिर जैसे इनके अमल होंगे जैसे अल्लाह की मशियत होगी अल्लाह ताला अमल करेगा इससे मालूम हुआ कि जितने भी तबलीग दीन का फरीज़ सर अनजाम देने वाले हैं वो उनके लिए इसमें बहुत नफीस पैगाम है कि तबलीग दीन का फरीजा सर अनजाम देने वालों में सबसे अफज़ल ग्रोह अम्बिया आसलम का होता है फिर जो उनके साथ रहने वाले जिसे जैसे हमारे नबी के सहाबा थे पिछले अम्बी आलम के हवारी यीन वगैरह थे साथी थे अंसार थे मदद करने वाले थे उनका होता है फिर उसके बाद जो दीगर उनके उम्मत में उलमा फ़ुहा गुज़रे अलिया एज़ाम गुज़रे और फिर जो आम ममिन मोमिनात तबलीग दिन का फरीज सर अंजाम देते हैं उनका मरतबा होता है तो आप ख़ुद सोचिए कि इसमें हमें ये पैगाम दे दिए गया कि जो सबसे अफज़ल ग्ररोह है जब उस पर यह लाजिम नहीं कि वह ज़बरदस्ती अपनी बात को मनवाए सिर्फ उस तक उसका काम यह है कि अल्लाह का पैगाम उन तक पहुँचा देना तो नीचे वाले को अल्लाह ने इसका मुकल्लफ़ कहाँ बनाया होगा लिहाजा तबलीग दीन वाले को चाहिए कि वह आसन तरीके से हमत के साथ प्यार मोहब्बत के साथ अल्लाह के पैगाम को लोगों तक पहुँचाए अब अगर वो नहीं मान रहे तो एक बात तो ये कि हाँ दिल में रंजीदगी पैदा हो यह तबई तकाजा है इसमें कोई मसला भी नहीं लेकिन उस रंजीदगी को इतना गालिब ना करे कि तबलीगी छोड़ दे कि ये तो मेरी बात मानते नहीं छोड़ दो ये नहीं दूसरा मनवाने की कोशिश ना करें ज़बरदस्ती की कोशिश ना करे जैसे बाज़ लोग होते हैं किसी दीनी माहौल के करीब आए या उनको अल्लाह ने हिदायत अता फ़रमाई कोई बात जहन में आई तो दिल की दुनिया बदल गई उन्होंने दीन की तरफ मायलान इख्तियार किया तो बाद वो चाहते हैं कि हमारे घरवाले भी फ़ौरन हमारी सोच हमारी कैफियत और हमारे जज्बात को कबूल कर लें और जिस तरह अब मुझे इबादत में लजत मिल रही है वो भी इस लजत को महसूस करें जिस तरह मुझ में गुनाहों के छोड़ने की हिम्मत पैदा हो गई है फौरन इन में भी पैदा हो जाए लेकिन उस वक्त वो ये नहीं सोच पाता कि आपके अंदर अगर ये हिम्मत पैदा हुई तो किस बात को सुनकर हुई थी ये जज्बात किस तरह किस वजह से बेदार हुए वो वजूहत वो हालात वो कैफियत वो माहौल घर वालों को तो नहीं मिला हुआ तो आप ये क्यों ये किस तरह ये चाह आपका चाहना ये दुरुस्त हो सकता है कि जिस तरह मैं एक जगह पर गया या मैंने किसी का वाज सुना नसीहत सुनी तो मेरे दिल की दुनिया बदली तो उस वो माहौल घर में ना होने के बावजूद इन पर भी वो कैफ़ियत तारी हो जाए ये गलत तरीक़ा होता है फिर इसमें होता यह है कि वो जो नेक बनने वाला है वो शिद्दत करता है बहुत सख्तियाँ करता है तो घर वाले फिर जवाब में चूँकि फ़ौरी तौर पर उन कैफियात को अपने ऊपर तारी नहीं कर सकते हैं उनकी क़लबी कैफियत वो नहीं होती है वो जज्बात वो नहीं होते हैं तो वो फिर भागी हो जाते हैं दीन से बागी हो जाते हैं और हमने ये यहाँ तक मुशाह हमारे मुशायदे में आया और हमने ये मंज़र देखे लोगों ने हमें बताया कि अगर किसी ने इस तरह सख्ती की तो ख़ुद इसके घर वाले फिर पूरे जो रिश्तेदार हैं लोग हैं उनमें इनकी बुराइयाँ करते हैं कि भाई ये लोग तो बहुत ही किस ख़तरनाक किस्म के लोग हैं ये पता नहीं कि साथ जाकर बैठने लगा है घर में आकर इतनी शिद्दत करता है सख्ती करता है बहनों को बुरा भला कहता है भाइयों को कहता है माँ को डांटता है बाप के सामने खड़ा हो जाता है और इस तरीके से फिर घर वाले दीन से बदन हो जाते हैं यहाँ तक जुमले सुनने को मिलने को वो कहते हैं अगर इसी का नाम दीन है तो मादल्ला मादल्ला अल्लाह हमें बचाए तो उनको इस दर्जे तक कौन लेकर आया आप लेकर आए आपकी खिलाफ हिकमत तबलीग ने उन्हें ख़ुद दीन से ही मुतनफ़र कर दिया इसमें आपने क्या कमाल किया लिहाज़ा हर दिन की तरफ़ माइल होने वालों को चाहिए कि अम्बिया के तरीक़े को ही इख्तियार करें और उनका तरीक़ा यह है कि पहली बात वो प्रैक्टिकल करके दिखाते हैं अच्छे अमाल को ख़ुद इख्तियार करके दिखाते हैं अपना अपने सीरत के ज़रिए अपने किरदार के जरिए प्रैक्टिकल करते हैं जैसे हमारे नबी करीम सल्ला सल्लाम ने तकरीबा चालीस साल तक अमल करके दिखाया इसके बाद जब लोग अमल से बिल्कुल मुतासर हो जाते हैं इसके बाद अम्बिया अं� आसलम फिर तबलीग दीन आहसन तरीक़े से प्यार से महब्बत से करते हैं और इस सोच के साथ इस यकीन के साथ या इस मतलब तरीक़ तालीम तरीक़ तबलीग के साथ कि हम तक फ़कत बात को पहुँचाना है हमें बात को मनवाना नहीं तो आसन तरीक़े से बयान करके बस भी चढ़ जाता है और इसके बाद अगर कोई मानता है तो नूर अला नूर है बात नहीं मानता तो अम्बेम की कोई गरफ नहीं है वो काबिल नहीं होते हैं और वो शख्स फिर ख़ुद अपने अमाल का सजावार होगा अपने अमाल का बदला हासिल करेगा लिहाजा मालूम ये हुआ कि अम्बिया आसलम जिन पर तब्लीग करना फ़र्ज़ है वो मनवाने की तरफ़ मायल नहीं होते फ़क़त पैगाम को पहुँचाना काफ़ी समझते हैं तो जिस पर तबलीग फ़र्ज़ नहीं जैसे हम लोग हैं कि मतलब बा बहुत सी सूरतें ऐसी हैं कि हम पर तबलीग दिन करना फ़र्ज़ नहीं होता हमारे लिए मुस्त होता है बाद ऐसी होता है सूरतें होती हैं कि कह दो तो अच्छा है नहीं कहा तो कोई गुना नहीं कोई गिरफ्त भी नहीं है तो हम पर कहाँ ये लाजिम हो जाएगा कि हम बात को ज़बरदस्ती मनवाएं इसलिए बाद लोगों को देखा है कि वो इसी तरह अपने घर वालों को और फिर दूसरे लोगों को भी वज़न कर देते हैं मसलन कोई नाजायज़ जेवर पहना हुआ है तो चाहते हैं कि फ़ौरन ये मेरी बात को सुनकर इस पर अमल भी करे जी आपने नाजायज़ जेवर पहना हुआ है मसलन मर्द ने अंगूठी पहनी है सोने की अब वो वमझाएँगे सोने की अंगूठी नाजायज़ हराम है इसको उतार दीजिए उसने नहीं उतारा तो गुस्सा आना शुरू हो जाएगा फिर शख्त जुमले बोलने लगेंगे हती के बाद बात तो यहाँ तक हो तो बोलते हैं तुम नहीं बात मान तो जहन्नम में जाओगे तो मादल्ला मादल्ला फिर सामने वाला भी बाज़ा गुस्से में आ जाता है और यूँ भी हो जाता है बाजाकत तो कहकर अच्छा जहन्नम में जाऊँगा मैं जाऊँगा तुम्हें क्या फ़िक्र है भाई खामोश रहो तो ये आपने उसको इतनी बुरे कौल की तरफ़ माइल कर दिया एक बहुत ही गलत किस्म की बात कहने पर मजबूर कर दिया किस चीज़ ने आपकी खिलाफ हमत तबलीग ने इसलिए बहुत हमत के साथ बात बयान करनी चाहिए अपने आप को मुसलत करने के बजाय आसान तरीक़े से बात को बयान करेंगे तो सामने वाला कबूल करेगा ज़बरदस्ती करेंगे मुसलत करेंगे अपने आप को या अपनी बात को उस पर मुसलत करने की कोशिश करेंगे ज़बरदस्ती होगी सख्ती होगी सामने वाला कभी भी बात को कबूल नहीं करेगा आगे शायद फरमाया कि वलकनाफ़ी कुल्ली उम्मत रसूला अनि अबू अल्लास तनबाऊता और बेशक ज़रूर हमने भेजा हर उम्मत में एक रसूल को किस पैगाम के साथ कि वो इबादत के तुम इबादत करो अल्लाह ताला की और शैतान से इजतनाब करो शैतान से बचने इजनाब करने का मतलब जितनी शैतानी हरकत है सब से शैतान की ताँत से फमिन हम मन हद्ला तो उनमें से बास तो वो थे कि जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला ने फिर हिदायत फ़रमा दी यानी बाज़ उम्मतों को तोफ़ी दी उनको हिदायत हासिल हो गई उन्होंने नबियों की बातों को मान लिया व मिन होम मन हक़त अल हिदल और उनमें से बाज़ वो थे कि जिन पर गुमराहीबित हो गई यानी उन्होंने फिर हितायत नहीं की उन्होंने हदायत के मुकाबले में गुमराही को इख्तियारियाबीआलम की दुश्मनी को इख्तियार कर लिया उस ज़माने में जो तालीम इस्लाम या तलीम दीन दी गई थी अल्लाह की तलीमत दी गई थी उसकी राह में रुकावट बनने की कोशिश की तो उन पर फिर गुमराही मुसलत हो गई लाजिम हो गई और नतीजा क्या निकल कि अल्लाह ने उन पर अज़ाम नाजिल फ़रमाया इसलिए आगे दावत दी जा रही है फसीरुफिली तो तुम ज़मीन में सैर करो घूम फिर कर देखो फ़न जुरू फिर नज़र करो कई फकाना आक़िबुलमुखी अल्लाह को छुटलाने वालों का अनजाम कैसा हुआ घूम फिर कर देखो अल्लाह को जिन्होंने झुटलाया नज़रअंदाज़ किया उनका कितना बुरा अंजाम हुआ इस पर इनशा मजीद कलाम करेंगे लेकिन अगले प्रोग्राम में वह आखरों दवादल रब